मोदी चेहरा, धारा 370, तीन तलाक, क्या ये मुद्दे भी हैं जनता के बीच में? कहीं पर भी भारतीय रह रहा है वो इस बात की चर्चा करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अब की बार अगर सरकार आ गई तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। कैसे राहुल को प्रधानमंत्री बना दें जो जेएनयू के अंदर जा करके जो भारत तोड़ने की बात करता है उनका समर्थन करता हो? आप सीएम तो बन गए लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं, खासकर हमने लगातार पिछले 3-4 दिनों में सुना कि सुपर सीएम तो अभी भी मनोहर लाल है। ये कांग्रेस को पूछ करके नहीं करनी कि किसको हमने सलाह लेनी है किसको नहीं लेनी। इनकी तरह नहीं है कि हरियाणा के किसान के जमीन को कुरक करके बेच करके और दामाद के नाम लगवा दो। इंदिरा गांधी के पोते ने आकर के एक और नारा दे दिया कि आप मुझे वोट दो, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई ये एक झटके में तो कांग्रेस वाली गरीबी तो समाप्त कर सका, ये देश की तो आज तक गरीबी समाप्त नहीं कर सका। ये विरोधी आरोप लगाते हैं कि ऐसा क्या है बीजेपी के पास कि जो करप्ट इंसान था, जो करप्ट नेता था वो बीजेपी में आता है, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन या वॉशिंग पाउडर है कि वो धुल जाते हैं सारे दाग। इतनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस और सोनिया गांधी, ये तिहाड़ जेल चली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज करनाल दौरे पर हैं और करनाल में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जो लगातार लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजर रहा है और हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री को यहां रोक पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते हैं कि वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तो आज हम उनको यहां रोकेंगे और रोकने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से, क्योंकि एक जूस की दुकान है और जूस के उस दुकान के ऊपर हम मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश करेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि वो किस तरह से आम आदमी से जुड़ते हैं, आम आदमी से बात करते हैं, क्योंकि उनको काफी अच्छा लगता है। लगातार हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके से लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं। हम देखिए कि मुख्यमंत्री को यहाँ रुक गए हैं हमारे, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नायब सैनी मुख्यमंत्री जो आम आदमी से जुड़े रहते हैं लगातार अलग अलग तरीके से, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप लगातार कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि जहां आम आदमी से मिला जा सके? नहीं, आम लोगों से ही मिलना चाहिए और लगातार हमारी सोच है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमारे ध्यान में आनी चाहिए और सरकार लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक जुड़ी हुई है, योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंच रहा है। ये सरकार पहली ऐसी सरकार आई है जिसने अंत्योदय की भावना से काम करते हुए गरीब व्यक्ति तक। कहीं ना कहीं बहुत गर्मी हो रखी है, 43 डिग्री टेम्परेचर, और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री गन्ने का जूस पीने के लिए, गन्ने का जूस जो कि एक कहते हैं कि गर्मियों का तोहफा होता है गन्ने का जूस, उस जूस को पीने के लिए यहां रुके हैं। और देखिए अपने सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ हैं, हमारी जो सहयोगी है सुदेश वो भी साथ हैं, तो गन्ने के जूस के ऊपर मुख्यमंत्री यहां रुके हैं। सुदेश क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सियासी पारा सरगर्म है और साथ ही गर्मी का मौसम है, तमाम सवाल जवाब हम यहां करेंगे, बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मुद्दे क्या हैं, क्योंकि लगातार जनता के बीच भी हम पहुंच रहे हैं, आपकी नजर में क्या बड़ा मुद्दा है जो आप आम लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से सरकार ने काम किया है, ये पहली बार हर व्यक्ति को लगा है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है, और ये चाहे गरीब व्यक्ति है, गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर 10 वर्षों में सरकार ने ईमानदारी से काम किया है, उसके ऊपर पूरा उतरी है। किसान की ऊपर ये सरकार ईमानदारी से पूरा उतरी है, विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ करके किसान को भी सशक्त और मजबूत करने का काम किया है, और चाहे युवा है, युवा के अंदर एक बड़ा विश्वास इस सरकार के अंदर बढ़ा है, चाहे नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी हैं, चाहे स्टार्टअप जैसी योजना को शुरू करके उनको पैरों पर खड़ा करने का बात है, चाहे कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके उनको कौशल दे करके उनको पैरों पर खड़ा करने की बात है, चाहे मुद्रा बैंक योजना जैसी उनको हेल्प करके उनको पैरों पर खड़ा करने की बात है। सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर बड़ा युवाओं के अंदर एक विश्वास हासिल किया है, ये पहली बार है कि मोदी की सरकार हर वर्ग के ऊपर अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है,
और उसको लेकर के आज देश के अंदर मोदी जी के प्रति एक बड़ा भाव है और लोग ही अपने आप बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार सीटें देकर के तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को। आपने विरोधियों का जिक्र किया तो विरोधियों के जो आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से आप पर, आपकी पार्टी पर, उन पर भी मैं आऊंगी। वो कहते विकास गिनवाने को नहीं, आपने तमाम योजनाएं और काम गिनवा दिए हैं। राम मंदिर, मोदी चेहरा, धारा 370, तीन तलाक, क्या ये मुद्दे भी हैं जनता के बीच में या फिर लोकल मुद्दे या योजना जो आपने गिनवाई वो महत्वपूर्ण है? देखिए, विपक्ष को काम दिखाई नहीं देते। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, कांग्रेस के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको ऊपर चल रहे हैं, परंतु सड़क उनको दिखाई नहीं देती कि यह मोदी ने बनवाई है। आज देश के अंदर एम्स बने हैं, इलाज करवा रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनके अंदर दिक्कत आ जाती है तो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि एम्स किसने बनवाया है। आज देश के अंदर हॉस्पिटल बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, उसके अंदर कांग्रेस के बड़े नेता अगर दिक्कत आ जाती है जा रहे हैं इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, परंतु दिखाई नहीं उनको दे रहा है कि ये मोदी ने किया है। आज देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, दुनिया में कहीं पर भी भारतीय रह रहा है वो इस बात की चर्चा करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी के नेतृत्व में सम्मान बढ़ा है, परंतु कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री जी, आप जैसे सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है? ये मोदी की सरकार में संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता को एक प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर बैठा देना ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है? और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बल के ऊपर कहीं तक भी पहुंच सकता है ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है? अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस में नहीं है। सीएम साहब, लगातार अब जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि अब की बार अगर सरकार आ गई तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई हो। देखिए, उनको क्यों चिंता करनी है, वो तो ये चिंता करते हैं बेचारे कांग्रेस के लोग भी राहुल को कैसे प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे राहुल को प्रधानमंत्री बना दें जो जेएनयू के अंदर जाकर के जो भारत तोड़ने की बात करता उनका समर्थन करता हो, कैसे राहुल को ये देश प्रधानमंत्री बना दे। केरल के अंदर उनकी सरकार है, केरल के जो सचिवालय है उसके सामने गौ माता को काट दिया जाता हो, कैसे इनको प्रधानमंत्री बना दें? कैसे इनको प्रधानमंत्री बना दें जिन्होंने राम मंदिर का जो बन रहा था उसका भी उपहास डालने का काम किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भव्य श्री राम का मंदिर भी बनकर के तैयार हो गया, अगर वहां के तीर्थ स्थल के ट्रस्टी अगर निमंत्रण देने कांग्रेस को जाते हैं, दुर्भाग्य है कांग्रेस का, वो लोग उसको ठुकरा देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ये कि आप सीएम तो बन गए लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं, खासकर हमने लगातार पिछले 3-4 दिनों में सुना कि सुपर सीएम तो अभी भी मनोहर लाल है, पावर तो सारी अभी भी वहाँ। देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस की ही सरकार में होता है। एक एक महीने तक सोनिया गांधी तो टाइम नहीं मिला था, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उनके दामाद को यहाँ के किसानों की जमीन बेच के उसके नाम करवा देते थे। कौन सुपर सीएम था, कौन कमजोर था ये बताए, ये कांग्रेस बताए। एक एक महीना टाइम नहीं मिलता था, फिर वहाँ से सेवा देनी पड़ती थी, फिर जाकर के टाइम मिलता था, अभी इतनी सेवा दी है। आज मेरे को किसी से टाइम लेने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे प्रदेश सीट के अंदर कोई बात करनी है तो नरेंद्र मोदी जी तुरंत भवन के ऊपर भी मुझे सलाह दे देते हैं। और अगर मुझे सलाह लेनी है, मेरी सोच है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सलाह लेकर के उनसे पूछ करके हरियाणा प्रदेश कैसे आगे बढ़े ये हमने चिंता हमने करनी है। ये कांग्रेस को पूछ करके नहीं करनी कि किसको हमने सलाह लेनी है किसको नहीं लेनी। इनकी तरह नहीं है कि हरियाणा के किसान के जमीन को कुरक करके भेज करके और दामाद के नाम लगवा दो। 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 10 सीटें लोकसभा की है, एक सीट आपकी है, कितनी मजबूती देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि अब की बार जो उम्मीदवार उतारे हैं वो सोशल इंजीनियरिंग के तहत उतारे हैं और सब जगह बड़ी भारी टक्कर वो दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों पर बोलते हैं कि आपने तो बाहर से उम्मीदवार इम्पोर्ट किए हैं, आपके अपने उम्मीदवार तो हैं? हमारे बाहर का कोई उम्मीदवार नहीं है, हमारे यहीं के हैं। जो सोशल इंजीनियर इन्होंने की है अच्छी बात है,
ये आजकल कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग करने लगी है, मैं इनको बधाई देता हूँ। परंतु जो भ्रष्टाचार करते हैं उस सोशल इंजीनियर को भी थोड़ा सा देख लें, भी जो घोटाले इनके समय में होते हैं, जो लूटपाट होती है और जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता है, गरीब व्यक्ति को गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर छोड़ देते हैं, 35 वर्ष तक वोट लेते रहते हैं और फिर जब गरीब व्यक्ति को लगता है कि ये तो गरीबी हटाओ का नारा है, मिल कुछ नहीं रहा, फिर इनका दूसरा आका आता है, वो ये बात बोलता है दिल्ली में बैठ करके कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे तो 15 पैसे लगता है, उन लोगों का धन डाइवर्ट करता है। इस प्रकार की ये सोच लेकर के चलते हैं। अब उनके पोते ने आकर के, इंदिरा गांधी के पोते ने आकर के एक और नारा दे दिया कि आप मुझे वोट दो, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई ये एक झटके में तो कांग्रेस वाली गरीबी तो समाप्त कर सका, ये देश की तो आज तक गरीबी समाप्त नहीं करी। आप क्योंकि लगातार जिस तरह से आप गर्मी के अंदर घूम रहे हैं, लगातार 20-20 प्रोग्राम लगे हुए हैं, कुछ ठंडक मिली है जूस पी करके? देखिए बीच बीच में मैं रुकता हूँ, हमारे क्योंकि हर व्यक्ति से बातचीत भी होती है और मिलकर के उनसे अच्छा भी लगता है मुझे कि बातचीत करते हैं, बातचीत करके उनसे कुछ हमें जानकारियां भी उपलब्ध होती है, सीखने को भी मिलता है। और जो व्यक्ति नीचे से फीडबैक देता है वो बहुत अच्छा लगता है और सरकार उस दिशा में काम करती है। आज गरीब व्यक्ति को ये लगने लगा है ये सरकार मेरी है, क्योंकि एक आम आदमी, मैं पहले भी कहता रहा कि एक आम आदमी जब सीएम बन जाता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गरीब जो आदमी है, जो पिछड़ा हुआ आदमी है, वो जुड़ाव महसूस करता है? बिल्कुल करता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बीच से जाकर के व्यक्ति इस पद के ऊपर बैठा है और वो बिना निसंकोच, बिना किसी भय के आकर के सीधा मिल सकता है, ये उसका विश्वास है, बड़ा विश्वास है। एक मेरा सवाल है कि सीएम हाउस में आपने कहा था कि मंजे डलवा देंगे और दरबार खोल देंगे, 24 घंटे द्वार खुले रहेंगे, हुआ ऐसा? मंजे भी डल गए, दरबार भी खुला है। अच्छा, दोनों हो गए, दोनों आते हैं कार्यकर्ता, मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, कल भी मैं चंडीगढ़ में था, रात के 12 बजे भी मैं मिला हूँ कार्यकर्ताओं को, रोहतक से आए थे कार्यकर्ता, 12 बज रहे थे तो मैं मिला हूँ। 10 सीटों का कैसा फीडबैक आ रहा है और आपकी करनाल सीट की विधानसभा सीट का कैसा फीडबैक आ रहा है? देखिए 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे, करनाल में भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिल रहा है। मोदी जी की नीतियां हैं, डबल इंजन सरकार की नीतियां हैं, जो अंत्योदय की भावना से जो काम किए हैं, प्रदेश का विकास समान रूप से हुआ है, देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, देश की समस्याओं का समाधान हुआ है, गरीब की चिंता हुई है, महिला को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, युवाओं का विश्वास बढ़ाया है। सीएम साहब, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये विरोधी आरोप लगाते हैं कि ऐसा क्या है बीजेपी के पास कि जो करप्ट इंसान था, जो करप्ट नेता था, वो बीजेपी में आता है, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन या वॉशिंग पाउडर है कि वो धुल जाते हैं सारे दाग, नवीन जिंदल को खासकर घेरा जा रहा है। सबसे पहले तो इसी का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे सवाल पर आती हूं। देखिए, क्योंकि नवीन जिंदल आज के नहीं, उनके पिताजी जब हरियाणा विकास पार्टी में थे, हमारा समझौता था, तब से इकट्ठे हैं। परंतु नवीन जिंदल जी ने एक बात कही है कि हम गलत पार्टी में चले गए थे, दलदल में फंसे हुए थे, अब हम ठीक पार्टी के अंदर आए हैं और कुरुक्षेत्र के लोगों ने उनसे परिवार से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ नवीन जिंदल जी जीत रहे हैं। परंतु अगर उसके सामने जो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी इस प्रकार की बातें करता था उनके आका मंच पर खड़े होकर के कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस इतनी भ्रष्ट पार्टी है, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा, और वो बात बोलता था कि अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कर ले, इतनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कांग्रेस और सोनिया गांधी, ये तिहाड़ जेल चली जाएगी, ये मंचों से बोलता था, उसकी वीडियो भी है, उसके ऊपर बोलता था। और वो ये बोलता था, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, BMW में घूम रहा है। वो ये बोलता था कि मैं कोई मकान नहीं लूंगा, 48 करोड़ रुपए शीश महल खड़ा कर लिया। और वो ये बोलता था कि मैं स्कूल अच्छे करूंगा, एजुकेशन गरीब बच्चों को दूंगा, ये बात बोलता था, ठेके खलवा दिए, उसके अंदर घोटाला कर लिया। ये किस प्रकार का व्यक्ति है? ये बोलता कुछ है, करता कुछ है? और इस प्रकार के लोग जो ये बोलते थे
कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। एक दूसरे को गाली देते थे, अब एक दूसरे को गले मिल गए हैं, अब गले मिल गए हैं। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे दिग्गज बीजेपी के हमलावर नेता कुटे लाइन लगा दे, जो हम लैंग्वेज जो बोलते कुटे लाइन लगा दे, नाराज है वो, उनकी वैसी कदर नहीं हो रही। बीजेपी का कोई भी कुटे लाइन नहीं है, हमारे सब वरिष्ठ नेता मजबूती से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। एक भी नेता हमारा घर पे नहीं है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं काम के ऊपर डटा हुआ है, मोर्चे के ऊपर खड़ा हुआ है, और जो काम मोदी जी ने किए हैं उनको नीचे धरातल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर तो इस प्रकार की स्थिति है, वहां अगर मंच के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो कपड़ा पाड़ भाषण चलता है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, मंच के ऊपर ही जूतम प्लेट होता है और छोड़ करके भाग जाते हैं। ये स्थिति कांग्रेस की है। लगातार कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की 400 सीट आ गई तो वो संविधान बदलने का काम करेंगे, कैसे देखते हैं लगातार इस बात के से वो प्रचार कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लोगों को अंकित जी ये पूछना चाहिए, कहते थारे पास कुछ कहने के लिए और भी है कुछ कह रहे हैं वो बताओ। 10 वर्ष मोदी जी के हो गए हैं, ये देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आपकी जो लैंग्वेज है ना, जो आप लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं उसमें हमें बहुत मजा आता है, उसमें कहीं ना कहीं वो आपकी भाषा जो है उसमें ही बोल के बताइए कि क्या कर संविधानवाड़ी वो नारायणगढ़ वाली में नारायणगढ़। नहीं नहीं देखिए, ये लोग इनके पास मुद्दा तो है नहीं, अफवाहें फैलाते हैं संविधान। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये बात बोलते हैं कि संविधान को बदल देंगे, ये कांग्रेस के लोगों के पास मुद्दा नहीं है। अरे 10 वर्ष हो गए हैं मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बने हुए, 10 वर्षों में ये देश संविधान के अनुरूप चला है। और अगर हम देखें, मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उनके 5 स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है, उनको भी सम्मान दिया है, और भारत के संविधान के अनुरूप ये देश चल रहा है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, और उन्होंने कभी भी संवैधानिक पीठ का सम्मान नहीं किया, कोर्ट का सम्मान नहीं किया, हम आप लोगों ने देखा है लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। इनके प्रधानमंत्री ने लोकसभा कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एक बिल पास किया, राहुल गांधी आते हैं बाहें ऐसे ऐसे ऊपर करते हैं और ऊपर करके वहां लोकसभा में खड़े होकर के और वो बिल की कॉपी लेकर के उसको फाड़ करके अपने प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक देते हैं। कहां संसद है, उसका अपमान कांग्रेस ने किया, लोकतंत्र का अपमान किया, अपने प्रधानमंत्री का अपमान किया। ये लोग तो समझते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं और हमारे से ऊपर कोई नहीं। लगता है कि कहीं ना कहीं जो अब नारायणगढ़ का छोरा है जिसने पूरे हरियाणा में धूम मचा रखी है, तो अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो डिजिटल इंडिया का जो नारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देते हुए नजर आते हैं, तो अब डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही डिजिटल तरीके से ही वो फोन पे से अपने पैसे पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक जो मैसेज वो प्रधानमंत्री देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हूबहू हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी लागू करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक जूस वाले को पेमेंट भी जो है वो डिजिटल तरीके से की जा रही है। आप देखिए, ये देखिए डिजिटल तरीके से पेमेंट कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी से जुड़ाव की जो बात है वो कहीं ना कहीं जुड़ती है और कहीं ना कहीं वही साबित होती है। तो आप देख सकते हैं कि जूस पी लिया है, पेमेंट कर दी है और साथ की साथ फोटो खिंचाई जा रही है, फोटो खिंचा करके अब अगले कदम की ओर वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगातार जो प्रोग्राम है वो लगे हुए हैं और 43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है वो पूरे जद्दोजहद कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की जद्दोजहद है, वहीं लोकसभा चुनाव की जद्दोजहद है और उसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, 25 मई को जब वोटिंग होगी, तो जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देती है, हरियाणा में बीजेपी को आशीर्वाद देती है, या जो इंडी गठबंधन बना हुआ है और जिसमें 9 जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 1 जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो व्यवहार है, जो एक अपने आप में एक सादगी है, वो जरूर देखने को मिलती है। और हमने भी जब न्यूज 18 ने देखा कि मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं तो उस काफिले को रुकवाया, और काफिले को रुकने के बाद वो देखे कि वहां जूस की एक आम रेहड़ी के ऊपर
नहीं तो हम देखते हैं कि एसी रूम्स की राजनीति जो है वो लगातार नेता करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एसी रूम की राजनीति नहीं, 43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ जो गन्ने का जूस है और जो गर्मी का तोहफा होता है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ ग्रहण किया है। तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा वासियों का 25 तारीख को जो है अब वोटिंग होनी है। देशवासियों को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, जिस प्रकार से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, होली का पर्व मनाते हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व है। हम पूरे परिवार के सहित इस भारत की मजबूती के लिए, ये भारत मजबूत हो, ये भारत सुरक्षित हो और ये भारत विकास की ऊंचाइयों को छुए, ये भारत विकसित भारत बने, इसके लिए हम इस भयानक गर्मी की परवाह न करते हुए पूरे परिवार के साथ सबसे पहले अपना वोट पोल करें, ताकि ये लोकतंत्र ये मजबूत हो और 100% मतदान होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, भारत भी मजबूत होगा। मैं इसी अपील करूंगा कि सभी अपने परिवार सहित अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को बोलते हुए वोट पोल करने के लिए बूथ के ऊपर 4 जून को कहीं ना कहीं ठंडक पड़ती हुई नजर आएगी। विश्वास है कि 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार बनती हुई नजर आएगी। क्या लाएं? अब की बार बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार जो विपक्षी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करती है पार्टी, लेकिन ये देखिए कि मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति हैं और उनसे भी मुख्यमंत्री कितने स्नेह से मुलाकात करते हैं, क्योंकि लगातार जो बातें उठाई जाती हैं विपक्ष के द्वारा उसको कहीं ना कहीं सिरे से काटते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं जी, हर आदमी से मिलते हैं, हर आदमी से मिलते हुए नजर आते हैं। अच्छा लगता है लोगों के बीच में रह करके उनसे मिलना, बातचीत करना, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, सभी से अच्छा लगता है। रामनगर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ जहाँ गन्ने का जूस पिया, वहाँ लोगों से मुलाकात की, आम आदमी से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, और कहीं ना कहीं यही एक सादगी है जो किसी व्यक्ति को नीचे से ऊपर ले जाती है। और नायब सैनी उस शख्स का नाम है जो बिल्कुल एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से उठकर और मुख्यमंत्री का स्तर जिन्होंने छुआ है, और मुख्यमंत्री आज के दिन हैं वो, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो वो खुद भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये केवल जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के पद तक जा सकता है। मेरी सहयोगी देश और कैमरामैन तरनप्रीत के साथ न्यूज 18 करनाल।